येन भूतले स्वयं रूप कदा ददा स्वदाक वंदेयहगु श्रीयुता श्री पदकमल श्रीगुरू वैष्णवाम श्री साग्र जाता सहगण रघुनाथ सजीव साद्वैतं सावदूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणलिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामीनिति नामिने नमस्ते सारस्वती सारस्वतिदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेश्यतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने क्रिष्न गौरद्विषये नमः हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते कोपेश गोपिका कांत राधा कांत राधा कोपेशगोपिकान्तराधाकान्तनमौ स्तुते राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द गदाधर श्रि अद्वैतगदाधरश्रीवासादिगौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम राम, राम हरे हरे मूकं करोति वाचानं पङ्गुं लङ्गायते गिरिम कृपा तम हम वंदे श्री गुरु दीन तहारण हरे कृष्ण हरे कृष्ण तो मैं आप सबका कर स्वागत करता हूँ आज के इस रविवारिक का साप्ताहिक कार्यक्रम में जिसे हम संडे फीस्ट कहते हैं तो इस्कॉन मधुवन औरंगाबाद और सेंट्रल में आप सबका स्वागत है आज हम विशेषकर जन्माष्टमी का पर्व बहुत पास आ रहा है तो अलग अलग सेवाएं हम सबको प्राप्त होती हैं उसमें से एक सेवा उसमें से एक सेवा जो है वो कई सेवाएं हैं है ना कोई पुलों की सेवा करेगा कोई अभिषेक की सेवा करेगा कोई प्रचार की सेवा करेंगे कोई किचन में सेवा करेंगे एक सेवा है जो बहुत पहले शुरू हो जाती है वो सेवा है फंड कलेक्शन सेवा है ना हम क्या करते हैं दो चीज़ करते हैं इस समय हम दान देते हैं और लोगों से दान स्वीकार करने के लिए जाते हैं तो आज हम आज के संडे फीस अपने रविवार कार्यक्रम में दान की महिमा के ऊपर थोड़ा चर्चा करेंगे ठीक है दान देने की भी महिमा है और जाकर स्वीकारने की किसी को मांगने की वो सेवा करने की भी उसकी एक अलग महिमा है तो उसके ऊपर हम आज थोड़ा चर्चा करेंगे इसी इसके लिए मैंने गीता के सोलहवें अध्याय के दैवी तथा आसुरी स्वभाव इस अध्याय के पहले से तीसरा एक दो तीन ये जो तीन श्लोक है उसमें भगवान दैवी गुणों के बारे में चर्चा करते हैं है ना जो देवताओं के जो गुण होते हैं सद्गुण जिन्हें कहा कह सकते हैं वो सद्गुण भगवान वहां पर बताते हैं उसमें से दानम एक है तो उसके लिए हम उसके ऊपर थोड़ा मैं प्रभुपाद के तात्पर्य में से भी कुछ पढ़ूंगा और फिर हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे पॉसिबल टू शो इस ओके। श्री भगवान वाच प्रयत्न कीजिए अभयम सत्व संशुद्ध ज्ञान योग व्यवस्थिति ही दान दमश्च यज्ञ स्वाध्याय अहिंसा सत्यमक्रोध्यागंतिरपैशुनम दया भूतेष्व अलोलुप्त मर्दवम हृर चापलम तेजक्षमा दृतिः शौचम् अद्रोहो न अतिमानिता भवंती सम्पदम दैवं अभिजातस्य भारत अनुवाद तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की चाय अनुवाद भगवान ने कहा हे भरत पुत्र अभी भगवान एक एक करके गुण गिनाते देखिए निर्भयता आत्मशुद्धि आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन दान आत्मसंयम यज्ञपरायणता वेदाध्य वेद अध्ययन तपस्या सरलता अहिंसा सत्यता क्रोधविहीनता त्याग शांति छिद्रान्वेषण में अरुचि समस्त जीवों पर करुणा लोभ विहीनता भद्रता लज्जा संकल्प तेज क्षमा धैर्य पवित्रता ईर्ष्या तथा सम्मान की ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति ये सारे दिव्य गुण हैं जो दैवी प्रकृति से संपन्न देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं तो विशेषकर आज दान पर चर्चा कर रहे हैं तो मैं वो तात्पर्य का वो भाग पढ़ता हूं जिसमें प्रोपर दान के बारे में लिखते हैं तात्पर्य दान गृहस्थों के लिए हैं गृहस्थों को चाहिए कि वे निष्कपटता से जीवन यापन करना सीखें और कमाई का पचास प्रतिशत विश्व भर में कृष्ण भावनामृत के प्रचार में खर्च करें इस प्रकार से गृहस्थ को चाहिए कि ऐसे कार्य में लगे ऐसे कार्य में लगे संस्थान समितियों को दान दें दान योग्य पात्र को दिया जाना चाहिए जैसा आगे वर्णन किया जाएगा दान भी कई तरह का हो सकता है यथा सतोगुण रजोगुण तथा तमोगुण में दिया गया दान सतोगुण में दिए जाने वाले दान की संस्कृति शास्त्रों ने की है लेकिन रजो तथा तमोगुण में दिए गए दान की संस्तुति नहीं है क्योंकि यह धन का अपव्यय मात्र है संसार भर में कृष्ण भावनामृत के प्रसार हेतु ही दान दिया जाना चाहिए ऐसा दान सतोगुणी होता है हरे कृष्ण तो जन्माष्टमी का पर्व अभी अगस्त के महीने में हम लोग 18 तारीख को मनाएंगे 18 और 19 तारीख को और फिर 20 तारीख को प्रभुपाद का व्यास पूजा होगा जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है तीनों पर्व दो दिन जन्माष्टमी के होंगे और एक दिन प्रभुपाद का व्यास पूजा होगा तो जैसे मैं कह रहा था कि जन्माष्टमी अभी आने वाला है तो हम जन्माष्टमी के समय विशेष एक सेवा होता है दान देना और दान लोगों से जाकर स्वीकार करना है ना? तो अपने पास से दान देना हमारे पास जो धन संचय हुआ है और वो धन संचय एक बार श्री भक्त सिद्धांत सर ठाकुर जो श्री प्रभुपात के गुरु वो कुछ गृहस्थों को लेकर साक्षी गोपाल मंदिर गए थे जो जगन्नाथपुरी के पास में ही है, है ना वहाँ पर गए थे तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर गुरु ने गुरु गुरु महाराज ने क्या देखा कि जो गृहस्थ भक्त हैं कुछ भिकारी आ रहे हैं धन मांग पैसा मांगने के लिए दे दो दे दो दे दो तो उन्होंने देखा कि गृहस्थ भक्त कुछ दान नहीं दे रहे तो भक्तिशांत ठाकुर ने उनको पूछा था आपको क्या लगता है कमाई आपने की है कि भगवान की दी हुई है अगर भगवान की दी हुई संपत्ति लक्ष्मी भगवान की है और अगर आप दे नहीं पा रहे किसी को तो भक्तिशांत ठाकुर ने कहा आपका हृदय कठोर हो जाएगा आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हो अपने हृदय को कोमल करने के लिए लेकिन क्या होगा इससे हृदय कठोर हो जाएगा विशेषकर परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज एक बार जब कार में जा रहे थे बंबई में तो अक्सर महाराज कहते हैं कि हम जब चौक पर जाते हैं उस समय भी कई भिखारी हमारे पास आ जाते हैं कुछ मांगते हैं है ना वैसे दान के अलग अलग गुणों में दान हैं मैं कुछ उदाहरण शुरुआत में इसलिए दे रहा हूँ कि दान देने की इच्छा होनी चाहिए दान वैसे हमको लेने की आदत बड़ी होती है है ना बच्चों को बताना पड़ता है बेटा दूसरों को मदद करो दूसरों की सहायता करो वरना अपने लिए मांगना अपने लिए करना ये बहुत स्वाभाविक है स्वार्थ सिद्धि में हर कोई लगा है निस्वार्थता बड़ी मुश्किल से आती है लोगों में उस निस्वार्थता को क्या करना चाहिए उस सद्गुण को अपने अंदर उसको और अच्छे से लाना चाहिए है ना तो दान देना इसका हाँ मैं परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज का उदाहरण दे रहा था कि महाराज अक्सर कहते हैं कि हमको कार में हमारे गाड़ी में क्या करना चाहिए कुछ प्रसाद हमेशा रखना चाहिए क्यों महाराज कहते हैं कि जब भी कोई आपके सामने हाथ फेरे कुछ मांगे जो ज़रूरत में हैं उसको क्या करना चाहिए कुछ तो देने की आदत रखो अपने पास बड़ा कुछ नहीं एक बिस्किट रख लो एक थोड़ा शंकर पाड़े रख लो शंकर पारा रख लो दे दो कुछ किसी को अगर आप धन भी नहीं दे सकते, कुछ प्रसाद तो बाँटते रहो महाराज कह रहे थे कि जब मैं भगवान की खोज में निकला था अमेरिका से भारत आया था डेढ़ साल भीख मांग कर मैं जीता था और महाराज कहते हैं भीख मांगना किसी को भी अच्छा नहीं लगता किसी का अहंकार तैयार नहीं होता मैं हाथ फैलाऊं किसी के सामने पर महाराज कहते देखो अगर कोई भिखारी भी आपके पास आ जाए और कुछ मांगता है आपको वो क्या देखता है विशेषकर अगर आपने तिलक लगाया है धोती कुर्ता पहना है तो आपको भगवान का प्रतिनिधि के रूप में देखता है आप भी उसको धिक्कार दोगे यू नो तो उसको आप उसको निकाल दोगे भगा दोगे तो उस व्यक्ति का केवल समाज के ऊपर नहीं भगवान के ऊपर का श्रद्धा भी चला जाएगा तो महाराज कहते हैं हमको कुछ तो हमारे पास रखना चाहिए जो देना है तो एक बार महाराज कार से जा रहे थे किसी प्रोग्राम के लिए तो महाराज जब चौक के पास पहुंचने वाली थी गाड़ी तो महाराज ने अपने ड्राइवर जिनका नाम दारुक प्रभु है उनको पूछा दारुक प्रभु गाड़ी में कुछ प्रसाद रखा है तो दारुक प्रभु बोले सॉरी महाराज भूल गया तो महाराज ने उनको बोला था अगले बार अगर आप भूल गए प्रसाद रखना तो मैं आपके सारे कपड़े निकाल कर उस भिखारी को दे दूंगा और आपको नागा बाबा बनाकर प्रोग्राम में लेके जाऊंगा मतलब महाराज क्या कहना चाहते हैं एक देने का भगवान ने इतना दिया है हमको वो देने की इच्छा हमारे पास होनी चाहिए और देना कितना है देखिए बाइबल बाइबल प्रभुपात यहाँ पे तात्पर्य में कहते हैं गृहस्थों को पचास प्रतिशत देना है जितनी भी कमाई हो उसका कितना पचास प्रतिशत सोचिए इसका बोलने का मतलब क्या है फिर इंद्रिय भोग के लिए कुछ बचेगा ही नहीं है ना? और भगवान की सेवा में लग गया तो पाप भी नहीं होगा फिर उसके बाद है ना? कोई बोलेगा अरे पचास प्रतिशत ज्यादा नहीं है अरे किसी भी धर्म को ले लो आप कोई धर्म ऐसा नहीं कर... हर धर्म में आपको यही ज्ञान मिलेगा यही आदेश मिलेंगे दान दो दूसरों की मदद करो देना चाहिए आपको बाइबल में तो कहते हैं दान इतना देना चाहिए कि चुभना चाहिए बोलते हैं अभी इससे ज्यादा दिया तो शायद मुझको मुश्किल हो जाएगी अब जीसस बोलते हैं बाइबल में दाया हाथ जो दे वो बाएं हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए क्या दिया है ना पर कभी कभी लोग क्या कहते हैं दान देने के नाम पर भी मेरा नाम किधर आएगा मुझको क्या मिलेगा चार लोगों को बताकर करते हैं कितना हमने दान दिया था है ना? तो दान देना एक बहुत अच्छा सदगुण है और विशेषकर भगवान के कार्य भगवान के प्रचार कार्य भगवान के मंदिर की सेवा को चलाने के लिए दान देना ये बहुत ही ये ये तीन गुणों के परे का दान है है ना कृष्ण कृष्ण स्वयं गीता में कहते यज्ञ दान तपश्चैव पावनानी मनीषी नाम जो पहले से शुद्ध हैं वो और शुद्ध होंगे कैसे दान यज्ञ दान और तप ये कभी बंद नहीं करना चाहिए कृष्ण कहते हैं आप जितना यज्ञ करते जाओगे संकीर्तन यज्ञ करोगे जप यज्ञ करोगे शुद्धता बढ़ती जाएगी कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए बहुत जपा कर लिया इतने साल और अभी करने की जरूरत नहीं है यज्ञ फिर कह रहे दान दान भी देना चाहिए दान से क्या होगा शुद्धता होगी और तप तपस्या तपस्या भी हमको शुद्ध करती है कृष्ण कहते हैं ये तीन कार्य आप कभी भी बंद नहीं करने चाहिए एक व्यक्ति को इसमें क्या होगा केवल शुद्धिकरण प्राप्त तो होगा तो विशेषकर प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे गृहस्थों को दान देना चाहिए तो गृहस्थों को दान देना इसकी सीख कहाँ से प्राप्त तो होती है आप देखेंगे वैदिक सभ्यता में लड़कों को विशेषकर लड़कों को विशेषकर गुरुकुल भेजा जाता था वो गुरु के यहां जाकर आश्रम में रहते थे है ना और गुरु के आश्रम में जैसे कृष्ण स्वयं गए थे तो कृष्ण को क्या कर क्या करते थे संदीपनी मुनि के लिए कृष्ण अभी कृष्ण कह सकते मैं भगवान हूँ पता है मैं मथुरा का राजा हूँ होने वाला राजा हूँ है मैं उग्रसेन या मैं वसुदेव का पुत्र हूँ स्कूल में मेरे लिए अलग एसी कमरा होना चाहिए गुरुकुल में मेरे लिए विशेष क्या होनी चाहिए अरेंजमेंट होनी चाहिए लेकिन सादीपनी मुनि कृष्ण को भी क्या करते थे रोज भिक्षा मांगने के लिए भेजते थे कृष्ण रोज भिक्षा मांगने जाते थे एक कथा आता है भागवत के दसवें स्कंद में कृष्ण और सुदामा एक पेड़ पर रात भर रुके थे बारिश खूब हो रही थी क्योंकि गुरु ने किसके लिए भेजा था यज्ञ के लिए और कुकिंग के लिए लकड़ी चाहिए जंगल से जाके लकड़ी लेके आओ कोई कहेगा अरे लकड़ी लाना ये कोई सेवा है कृष्ण को देने की नहीं गुरु के आश्रम में है कृष्ण ने भी सेवा की है ना तो कृष्ण ने क्या किया था और उसका रात भर उस लकड़ी को बचा के रखा उसको गीला नहीं होने दिया सुबह गुरु ढूंढने को आए थे अरे मेरा शिष्य देखो कृष्ण सुदामा गुरु की सेवा के लिए कितने तत्पर हैं तो मैं उदाहरण ये दे रहा था कि ब्रह्मचारी जो जब गुरु के आश्रम में रहता है तो ये ट्रेनिंग होता है उसको किस बात का जाके भिक्षा मांगने का कोई कहेगा भिक्षा क्यों मांगना चाहिए तो हमारे शास्त्र कहते हैं गुरु के पास तो विद्या मांगने गए थे गुरु ने भिक्षा मांगने लगा दिया ऐसा क्यों इसमें कनेक्शन क्या है तो कहते हैं कि विद्या विनयेन शोभते विद्या शोभा कहाँ जी देती है जहाँ विनय है जहाँ पे नम्रता है और व्यक्ति नम्र कैसे होगा जब जाके दान मांगना पड़ता है ना हाथ फेरना पड़ता है तो नम्रता आती है तो गुरुकुल में बच्चों को सिखाया जाता जाइए तीन घरों में जाके दान मांगना है और वापस आना है और जो भी मिला गुरु को अर्पण करना है अपने जेब में कुछ भी नहीं रखना है थोड़ा सा मेरे लिए वो नहीं चलेगा सब कुछ गुरु को देना है तो कोई बोलेगा ठीक है गुरु के आश्रम में रहते हुए भिक्षा मांगने गए थे एक बार गुरु के गुरुकुल से ग्रेजुएट हो गए अभी कुछ नहीं राइट बोलते नहीं 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 अभी जब ग्रेजुएट होंगे तो उसको स्नातक होना बोलते हैं और स्नातक जब बनते हैं तो क्या होता है हमारे मायापुर गुरुकुल में हम देखते हैं जब बच्चे स्नातक होते जिनका एजुकेशन खत्म खत्म होता है गुरुकुल का उनको एक विशेष स्नान कराया जाता है बच्चों को और उनके चरणों को अभी कौन धोएगा गुरु स्वयं धोएंगे सोचिए आज तक जिन्होंने पूरा शिक्षा दी ट्रेनिंग दिया वही गुरु इन बच्चों के चरण धोएंगे किस बात के लिए कि आप भी अभी वेदों के स्नातक हो अभी जो ज्ञान आपको प्राप्त हुआ है इस गुरुकुल में रह के गुरु के आश्रय में रह के ये अभी आप दूसरों को देना शुरू करो फिर भी एक चीज बची है उसको क्या कहते हैं गुरु दक्षिणा तो गुरु के आश्रम में रहते हुए भिक्षा मांगी थी और पढ़ाई खत्म होने के बाद वापस गुरु को दक्षिणा देनी है है ना तो भिक्षा मांगना गुरु दक्षिणा देना ये कृष्ण ने भी किया था है ना मैंने उदाहरण दिया कोई बोलेगा ठीक है गुरु ने कृष्ण ने भी भिक्षा मांगी थी क्या कृष्ण ने कभी फंड कलेक्शन किया क्या आप वृंदावन में जाएंगे ना एक सांक्री कोर है सांकरी कोर में जाके गोपियों से भिक्षा गोपियों से क्या किया था एक्चुअली फंड कलेक्शन एक अलग स्टाइल था भगवान का टैक्स कलेक्शन था वो है ना तो कभी कभी भक्त लोग बोलते हम भी फंड कलेक्शन के नहीं जा रहे टैक्स कलेक्शन के लिए जा रहे हैं भगवान का लेकर बहुत दबा के बैठे हैं सब लोग हम लोग क्या कर रहे हैं टैक्स मांगने जा रहे हैं थोड़ा भगवान की सेवा में लगाओ उसको थोड़ा वापस करो वैसे ही कोई कहेगा अरे पर कृष्ण ने कभी फंड कलेक्शन किया हाथ फैलाएगा कृष्ण ने कभी किसी के पास जाके गुरु के आश्रम से पास होने के बाद तो उदाहरण आता है भगवान जब वामन देव का अवतार लेकर आए थे तो भगवान ने भिक्षा मांगी थी तीन पग भूमि दे दो मुझे तीन पग भूमि चाहिए मुझे भगवान बटू के रूप में आए थे वामन के रूप में आए थे और भगवान ने भिक्षा मांगी थी किससे बलि महाराज से, से भिक्षा मांगी थी है ना तो दान लेना दान स्वीकार करना कि उसको चैरिटी बोलते इंग्लिश में चैरिटी कि दान देना या दान लेना तो कभी कभी भक्तों को ऐसा लगता है कि प्रभु जी मैं दान मांगने जाऊंगा मेरी भी तो कुछ इज्जत है समाज में मेरा भी तो कुछ है किसने मेरे को नहीं बोल दिया तो बड़ा दुख होगा मुझे तो फिर उसके बाद तो गिरिराज स्वामी महाराज कहते हैं कि एक बार वो दिन भर बंबई में घूमते घूमते फंड कलेक्शन के लिए गए थे जूहू का मंदिर बनना था और जब वो शाम को वापस आए तो कोई भी किसी ने भी दान नहीं दिया तो बड़े दुखी चेहरा करके मंदिर में सामने खड़े थे भगवान के सामने दर्शन ले रहे थे प्रभुपाद ने देख लिया कि अरे बड़े दुखी चे, चेहरे के साथ खड़ा है मेरा मेरा शिष्य तो प्रभुपाद ने उनको कमरे में बुलाया और पूछा क्या हो गया बड़ा दुखी लग रहे हो बोले प्रभुपाद मैं आज दिन भर गया था दान मांगने के लिए किसी ने भी नहीं दिया प्रभुपाद क्या बहुत बड़ा दुख हो रहा है मैं कुछ लेके नहीं आया पाया तो प्रभुपाद ने बोला दुखी तुमको नहीं दुखी उनको होना चाहिए जिन्होंने दान नहीं दिया अरे क्या बात कर रहे हैं प्रभुपाद ऐसे कैसे जो जो दिए नहीं वो क्यों दुखी होने चाहिए प्रभुपाद ने कहा आज वो भगवान की सेवा में लग सकते थे है ना लेकिन उन्होंने न देकर आज उनका दुर्भाग्य देखिए कैसे आज सौभाग्य में बदल सकता था कि भगवान की सेवा में वो लग सकते थे आप मांगने नहीं गए थे प्रभुपाद ने उनको बताया आप उनको भगवान की सेवा में लगाने गए थे किसी को किसी तरीके से लगा सकते हैं है ना कृष्ण स्वयं अपने गोप सखाओं को आप दसवें स्कंद में देखेंगे चिरहरण लीला के बाद गोपियों का जो चिरहरण लीला हुआ था गोपियों के वस्त्र चुराए थे भगवान ने बहुत सुंदर लीला है खूब उसमें सीखने लायक चीज़ें हैं लेकिन उसके बाद ही भगवान क्या करते हैं कृष्ण क्या करते हैं अपने गोप सखाओं को लेकर छोटे से कृष्ण ज़्यादा नहीं है कृष्ण भी अभी छः साढ़े छः साल की उम्र थी है ना और गोपिकाएं जो थी वो चार साढ़े तीन चार साढ़े चार साल की गोपिकाएं थी वो जिनका चीर हरण हुआ जिनके जिनके वस्त्र भगवान ने चुराए थे लेकिन कृष्ण ने क्या किया अपने छोटे छोटे गोप सखाओं को लेकर अपने बछड़ों को लेकर अभी गाय भी लेकर नहीं जाते थे भगवान बछड़ों को लेकर जंगल की तरफ बाद में निकले तो भगवान इतना गर्मी था तो भगवान ने क्या किया कृष्ण ने अपने गोप सखाओं को और बछड़ों को लेकर बड़े बड़े पेड़ थे वृंदावन के उन वृक्षों के नीचे जाकर बैठ गए और भगवान सारे गोप सखाओं को अपने सखाओं को बुलाते हैं और बोलते देखो ये पेड़ का जीवन देखो कहते हैं कितना सुंदर जीवन है इसका ये केवल दूसरों के लिए जीता है भगवान कहते हैं वहाँ पर अपने सखाओं को इसके पास इस वृक्ष के पास जो भी आता है कोई खाली हाथ कभी गया नहीं जो भी लेना है आपको फल चाहिए ले लो आपको पत्ते चाहिए ले लो आपको अपने घर पे चूल्हा जलाना है दंगाल काट लो आपको अपना घर बनाना है इस पेड़ को काट दो ये पेड़ कभी भी नहीं नहीं बोलता तो गोप सखाओं को कृष्ण कहते हैं ये जीवन होना चाहिए परार्थ एकांत जीवित दूसरों के लिए जीना दूसरों के लिए कुछ करना कृष्ण कहते हैं आ, देहिनाम इह देश देहिशु प्राणर धिया वाचा श्रेय आचरणम सदा कृष्ण अपने गोप सखाओं के माध्यम से हम सबको सिखा रहे हैं क्या करना चाहिए वो कहते हैं जो मनुष्य का देह मिला है ना ये बड़ा विशेष है इस देह में चार चीज़ों के द्वारा परोपकार करना चाहिए कहते हैं कृष्ण कौन सी चार चीज़ें हैं वो कहते हैं प्राणीर अर्थईर दिया और वाचा अगर चाहिए तो अपने प्राण देकर भगवान की सेवा करो पूरा जीवन दो भगवान के लिए है ना पूरी तरह से अपने अपने आप को भगवान की सेवा में लगा दो प्राणैर कोई कहेगा जरा सबके लायक नहीं है फिर उसको फिर प्राण से ज्यादा प्रिय क्या है धन, <laughs> है ना जा, लोग जान चली जाएगी लेकिन पैसा चोर को दे चोर खींच रहा है अरे ले जा रहे बाबा लेकिन वो पैसा नहीं छूटता है ना है ना जैसे वो अप, मिकी न, मिकी माउस और मैकडोनल्ड का कार्टून आता था, था वो जो डक था उसके आंखों में ऐसा डॉलर डॉलर का साइन दिखता था नॉलर सो तो पैसा पैसा दिखता था है ना तो प्राण के बाद कृष्ण कहते अगर आप अपने प्राण से सेवा नहीं कर सकते ना कृष्ण कहते अपने अर्थ से सेवा करो जो ल, जो धन आपने कमाया है उसको सेवा में लगाना चाहिए कोई कहेगा अरे धन बड़ा मुश्किल हो रहा है कृष्ण करे फिर दिया फिर बुद्धि दी ना कुछ भगवान ने उस बुद्धि को भगवान की सेवा में लगाओ कोई कहता अरे बुद्धि भी नहीं बाबा अपने पास उधर भी कम थी जब बट रही थी तो पता नहीं क्या कर रहे थे <laughs> है ना जब बुद्धि बट रही थी तो कृष्ण कहते तुम्हारे वाचा है जिव्वा है वो जिव्वा से भगवान के बारे में गुणगान करो वो जिव्वा से लोगों को जाके बता के आओ अरे इसकॉन मधुवन इतना सुंदर मंदिर है आइए इधर बहुत अच्छे प्रोग्राम होते हैं कनेक्ट हो जाइए अपने जीवन को सफल कीजिए वाचा का तो इस्तेमाल कर सकते हैं तो प्राण अर्थ धिया वाचा तो वर्णाष्टम धर्म में वर्ण और आश्रम का जो धर्म है चार वर्ण हैं और चार आश्रम है ना? ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ और सन्यास, है ना ये क्या है आश्रम है और वर्ण क्या है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र सबके लिए दान अनिवार्य है है ना दान सबको ही करेगा है ना दान क्या करेगा जो ब्राह्मण है वो ज्ञान का दान करेगा और ब्राह्मण ज्ञान का दान करेगा लेकिन वो पैसा नहीं मांग सकता उसके लिए वो वो जो भी उसको भिक्षा में प्राप्त हो ब्राह्मण को वैसा ही जीना है है ना? फिर क्षत्रिय क्या दान करता है क्षत्रिय अपने शौर्य का दान करता है ना क्षत्रिय कहेगा मैं आपको बचाऊंगा मैं अपनी जान दूंगा, लेकिन आपकी रक्षा करूंगा है ना वैश्य क्या करता है धन का दान करता है और शूद्र किस चीज़ का दान करता है शूद्र अपने स्किल का स्किल स्किल को क्या बोलेंगे अपनी कार्य कुशलता उसका दान करता है है ना तो और ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी और सन्यास सन्यासी जो है ब्रह्मचारी गृहस्थ और सन्यासी तीनों किस में लगे हैं वो दिव्य ज्ञान के अर्जन करने में और उसको बांटने में लगे हैं फिर एक गृहस्थ है उसका क्या कर्तव्य है वो अर्थ आ, वो अर्थ कमा रहा है उसको क्या करना चाहिए लक्ष्मी का दान करना चाहिए उसको धन का दान करना चाहिए तो मुझे लग रहा है शायद मैं बहुत समय ले रहा हूँ पर आ, एक बार श्री प्रभुपाद जब बम्बई जुहू में पहुँचे थे तो प्रभुपाद ने क्या देखा अरे अभी उस समय तो जुहू इस्कॉन जुहू मंदिर आप में से जो जो गए होंगे इस्कॉन जुहू मंदिर आज इतना सुंदर है अमिताभ बच्चन भी दर्शन लेने को आता है बड़े बड़े हॉलीवुड के स्टार वहाँ पर दर्शन को लेने आएंगे पूरे बम्बई से लोग आते हैं इंटरनेशनल लोग वहाँ पर आते हैं पर एक समय था जब जूहू का मंदिर केवल क्या था चावल की खेती थी वहाँ पर केवल ऐसा पानी जमा हुआ था कुछ दो चार अपार्टमेंट की बिल्डिंगें थीं और अमेरिका और यूरोप सबसे प्रभुपात सब दुनिया प्रचार करके भक्तों को ले आए थे भारत में प्रचार शुरू करना है और इनको ऐसे पत्रे के झोपड़ी में रहने रहने को जगह मिली थी रहने के लिए तो प्रभुपाद एक बार जब बाहर से वापस आए तो प्रभुपाद ने क्या देखा अरे थोड़े अच्छे घर जैसा कुछ तो बना हुआ है यहाँ पर तो प्रभुपाद ने भक्तों को पूछा प्रभुपाद ने भक्तों को पूछा ये किसने बनाया तो भक्तों ने बताया मिस्टर सेठी जो मिस्टर सेठी हैं वो बना के गए और उतने में मिस्टर सेठी कमरे में एंटर कर दिए और प्रभुपाद ने मिस्टर सेठी को बोला आपने भक्तों के लिए यहां पर ख, कमरे बनाए कृष्ण आपके लिए वैकुंठ में कमरा कमरा क्या करेंगे रिजर्व करके रखेंगे मतलब भक्तों की वैष्णवों की गुरु की कृष्ण की इस प्रकार से सेवा करने से प्रभुपाद ने क्या बताया भगवान आपके लिए रिजर्वेशन का वहां पर रखेंगे टिकट बुक करके रखेंगे वैकुंठ का तो सेवा करना दास का कर्तव्य है दास का मतलब क्या है दास का अर्थ है उसको सेवा करना है और सेवा करने का यहां पर क्या है दान देना चैरिटी करना तो गृहस्थ क्या क्या दान दे सकते हैं गृहस्थ धन का दान दे सकते हैं गृहस्थ सेवा का दान दे सकते हैं गृहस्थ अपने समय का दान दे सकते हैं और प्रभुपाद एक जगह कहते हैं गृहस्थ अपने बच्चों का भी दान दे सकते हैं क्या बात करें बच्चों का दान कैसे होता है भाई तो प्रभुपाद के दो शिष्य हुए गर्गमुनि प्रभु और ब्रह्मानंद प्रभु दोनों जुड़वे भाई हैं है ना दोनों जुड़वे भाई थे और इन्होंने प्रभुपाद या अमेरिकन दोनों भी और प्रभुपाद के शिष्य बने तो प्रभुपाद ने इनको बोला आपको अभी दीक्षा दी है मैंने अभी आपको घर जाना चाहिए घर क्यों जाना चाहिए जाके अपनी माँ से आशीर्वाद लेकर आओ प्रभुपाद ने बोला थोड़ा उसको कुछ समझने वाला नहीं वो अमेरिकन है उसको क्या समझ जाओ आप और माँ को देखते ही साथ क्या करना है आपको दंडवत करना है दंडवत जमीन पे गिरे बोला हाँ जमीन पे उसको कुछ नहीं समझेगा जमीन पे गाय को गिर गए प्रभुपाद बल उसको नहीं समझता तो क्या फर्क पड़ता है आपको जो शिक्षा मिली है आपको उसको करना है तो ये दोनों घर पे गए और जाके जैसे ही दरवाजा माँ ने खोला उसके पहले ये दंडवत और माँ को टेंशन आ गया जमीन पे क्यों गिर गए बाबा तुमको क्या नहीं नहीं हम हम आपको आदर दे रहे हैं सम्मान कर रहे हैं ये कौन सा आदर करने का तरीका है उसको समझा नहीं था पहले उसको थोड़ा वो विचलित हो गई ये क्या चल रहा है जब घर के अंदर आए दो तीन दिन रुके ये मांस खा नहीं रहे ये अपना सब कुकिंग खुद का कर रहे खुद का खुद खा रहे हैं माँ को समझ नहीं रहा मेरे बच्चों को हो क्या गया, गया। माँ ने आखिरी में बोला चलो मुझको तुम्हारे गुरु से मिलना है चलो वापस चलो तुम्हारे गुरु के पास न्यूयॉर्क लेके चलो मेरे को मुझे उनको मिलना है ये दोनों माँ को लेके आ गए और माँ ने आके कंप्लेंट किया अरे ये घर पे आए खाते भी नहीं कुछ मेरे हाथ से मांस भी नहीं खा रहे अपना खुद का कुकिंग करके आ रहे आपने मेरे बेटों के साथ ऐसा क्यों कर दिया वाई हैव यू डन व्हाट है आपने मेरे बेटों के साथ ऐसा क्यों किया तो प्रभुपाद ने बोला अरे ये तो अजीब है आपके बेटों को रख रहा हूँ अच्छा खिला रहा हूँ देखो तगड़े हैं मस्त है आपके बच्चे आपने मुझको दान देना चाहिए तो माँ ने गलती से बोल दिया मैंने दो बच्चे दिए ना प्रभुपाद बोले थैंक यू <laughs> थैंक दो बच्चे दे दिया अभी जाओ जा सकते <laughs> तो हमारे गिरिराज स्वामी महाराज के भी माँ बाप आए थे गिरिराज स्वामी महाराज करोड़ों पति घर से अमेरिका के बहुत धनी इकलौते पुत्र दोनों माँ बाप बंबई में प्रभुपाद को मिलने आया हमारा बेटा वापस करो हमारा बेटा वापस चाहिए तो प्रभुपाद ने बोला अरे मैंने तो पकड़ के रखा नहीं है उसको अगर आपके साथ जाने की इच्छा है तो आप ले जाओ मैंने तो रोका नहीं आप जाओ अलग कमरे में जाके बैठो उससे बात करो जाने की इच्छा है तो जाएगा तो गिरिराज महाराज गए अपने माँ बाप से मिले और उसके बाद वापस आ गए तो प्रभुपाद ने बोला क्या हुआ बोला प्रभुपाद मैंने उनको रोक के रखा है पर उनका प्लान क्या है वो आपके सामने एक ब्लैंक चेक रखने वाले हैं स्वामी जी आपको जो भी धनराशि लिखनी है लिख लो आपकी हमारा बेटा हमको वापस चाहिए ऐसा प्रभुपाद के सामने होने वाला है गिरिराज महाराज ने बता दिया तो प्रभुपाद ने गिरिराज महाराज को पूछो आपको क्या लगता है मैं क्या करूं शिष्य को पूछ रहे आपको क्या लगता है मैंने क्या करना चाहिए तो गिरिराज महाराज बोलते प्रभुपाद चेक भी रख लो और मुझको भी रख लो <laughs> तो <laughs> क्या है बच्चों का भी दान दिया जा सकता है है ना तो हम अभी दस फायदे देखेंगे दान करने की फटाफट फटाफट इसको दस फायदे हम लोग करते हैं मेरे पास पांच दस मिनट ही समय बचा है प्रयत्न करते हैं सबसे पहले पहला दान का सबसे पहला फायदा क्या है आपको हृदय में संतुष्टि प्राप्त होगी सेटिस्फैक्शन मैंने कुछ किया मैंने किसी किसी और के लिए कुछ किया मैंने मंदिर के लिए कुछ किया मैंने कृष्ण की सेवा के लिए कुछ किया फूल नाई फूलाची पाखड़ी दिली चलो फूल नहीं दे पाया कुछ तो दिया वो जो संतुष्टि प्राप्त होती है ना स्वार्थ सिद्धि में स्वार्थ सिद्धि में संतुष्टि नहीं है निस्वार्थ भावना में संतुष्टि है दूसरा फायदा क्या है फर्स्ट इज सेटिस्फैक्शन दूसरा फायदा क्या है दूसरा फायदा अटैचमेंट गेट्स रिड्यूस्ड हमारी जो आसक्ति है, है ना वो क्या होती है वो कम होती है आसक्ति का मतलब क्या है कभी भी कहीं भी किसी से भी आसक्ति है उसको आसक्ति बोलते हैं है, है ना हमारा जो आसक्ति है हर जगह चिपक लिया मिल गया क्या रख लिया मिल गया क्या उठा लिया उठा के अपना पास ये मेरा ये मेरा ये मेरा, ये मेरा अरे थोड़ा निकालो रे है ना उसको एक ऐसा गजल था वो कहते मुट्ठी बांध के आने वाले हाथ पसारे जाएगा ढलता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा है ना अरे मुट्ठी बांध के आए थे बच्चा जब पैदा होता ना तो ऐसा आता है कुछ भी नहीं लाया था मुट्ठी बंद थी है ना और जब मरेगा ना हम लोग सब मरेंगे तो ऐसा हाथ पसारे जाएंगे साथ में कुछ भी जाने वाला नहीं है फिर हम ये आसक्ति लेके जो बैठे ना अहम ममेती है ना ये बहुत बहुत हमको क्या करता है इसी सब प्रभुपात कहते हैं मरते वक्त एक गुलाब जामुन की भी अगर आसक्ति बच गई ना अनऑफर्ड गुलाब जामुन की जो भगवान को भोग नहीं लगा था छोटी सी इच्छा वो छोटी सी इच्छा भी फिर से जन्म लेना पड़ेगा तो क्या होगा आसक्ति हमारी छूटेगी तीसरा एक सेल्फलेस स्पिरिट एक निस्वार्थता का जो भावना है कृष्ण गीता में कहते हैं भोक्ताज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूता ज्ञावा माम शांति मृचती भोक्ता कौन है भोक्ता कृष्ण हैं और हम भोगते हैं समझे हम सिर्फ भोगते हैं कृष्ण भोक्ता है भोग भोक्ता भोगता नहीं और भोक्ता क्या है एंजॉय इस कृष्णा चौथा फायदा क्या है इट इंक्रीजेस अवर डिवोशन टू कृष्णा हमारी कृष्ण भक्ति का क्या होगा विकास होगा तो आप दसवें स्कन में देखिए महाराज नृग की कथा आती है इन्होंने कुछ वेद में वेद के अनुसार कुछ शास्त्रों के अनुसार कुछ कार्य कर रहे थे कुछ तो गलती हो गई उस गलती के कारण इनको अगला जन्म एक छिपकली का लेना पड़ा बड़ी छिपकली और ये बड़ी छिपकली कहाँ थी कुएं में पड़ी हुई थी और याद यादव वंश के बच्चे थे वो सब खेल रहे थे उनका चेंडू उनका चेंडू जाके इस कुएं में गिर गया और जब कृष्ण बच्चों के साथ आए अरे ब, चेंडू नीचे है बॉल नीचे गिर गया तो देखा इतनी बड़ी छिपकली है तो कृष्ण ने जब छिपकली को पैर छुआ भगवान राम ने पत्थर को पैर छुआ था तो पत्थर की अहिल्या बन गई यहाँ पर कृष्ण ने जब छिपकली को छुआ ये महाराज नृग बन गए फिर से तो महाराज निर्ग बताते हैं पूरा कथा कि मेरा क्या हुआ था छिपकली बनना पड़ा मुझे लेकिन आचार्य हमको बताते थे अब बताते हैं कि पिछले पि, जब महाराज मृग का वो जो जन्म था उस महाराज निर्ग के जन्म में इन्होंने इन्होंने, इन्होंने इन्होंने एक ब्राह्मण को दान दिया था किस लिए दान दिया था दो चीज़ों के लिए एक मंदिर बनाने के लिए और शास्त्र दान करने के लिए है ना और उस ब्राह्मण के मुख से आशीर्वाद निकला था आपको भगवान हरि के दर्शन प्राप्त होंगे आज वो गलती करने के बाद भी चिपकली बनने के बाद भी आज क्या हो गया कृष्ण के दर्शन प्राप्त हुए भगवान की भक्ति प्राप्त हुई पांचवा क्या है फायदा दान देने का पांचवा फायदा है हमारा संबंध कृष्ण के साथ जुड़ता है है ना लोग बोलते अरे कैसा दोस्त है कुछ पार्टी तो दे कुछ खर्च तो कर है ना जनरली हमारे आसपास वाले अपने निजी रिश्तेदारों के ऊपर जब हम सच में संबंध को और गाढ़ा करते तो थोड़ा खर्च करते उनके ऊपर थोड़ा खर्च करना पड़ता है है ना वैसे ही भगवान के साथ संबंध कैसे होगा दान देने से कुछ भगवान की सेवा के लिए कुछ हमने लगाया है भगवान की सेवा में कुछ अर्थ दिया है ये हमारे भगवान के संबंध को पुनर्स्थापित करेगा छठवा फायदा क्या है हुँ? हम चार नियम तोड़ने से बच जाएंगे वी कैन स्टॉप द फोर पिलर्स ऑफ सिंफुल लाइफ प्रभुपात जी के एक शिष्य हैं उनका नाम है अंबरीश प्रभु एल्फ्रेड फोर्ड आप में से फोर्ड की गाड़ी पहचानते फोर्ड, फोर्ड कंपनी की कार चलती है तो फोर्ड कंपनी के ओरिजिनल मालिक उनके बेटे एल्फ्रेड फोर्ड वो प्रभुपात के शिष्य बने अंबरीश प्रभु और उन्नीस में उन्होंने प्रभुपात को बोला था आप में से कई लोग अभी मायापुर यात्रा आ रहे होंगे इस साल हम मायापुर यात्रा मधुबन के ओर से लेके जाने वाले हैं मायापुर में अभी तक एक्चुअली एक्चुअली अभी तक हिंदुओं का सबसे बड़ा मंदिर श्रीरंगम में है और यह मंदिर हजारों साल पुराना है उस मंदिर से बड़ा मंदिर अभी मायापुर में बन रहा है और इस मायापुर मंदिर को बनाने के लिए अम्बरीश प्रभु ने 250 करोड़ रुपया एक साथ एक चेक पे दिया दान दिया तो ये 250 करोड़ का चेक जब दान में दिया तो उन्होंने दिसंबर 31 को दिया जिस दिन वर्ल्ड एड्स डे एड्स बीमारी होता है ना बहुत भयंकर बीमारी होता है जिसमें आपका इम्यून सिस्टम ही खराब हो जाता है है ना ऐसे कुछ होता है ना सचिव सचिव डॉक्टर है बोल मैं रहा हूँ <laughs> तो पूछ लेता हूँ बहुत भयंकर बीमारी है उसके बाद सर्दी भी हो गई तो ठीक नहीं होती कुछ भी बीमारी हो गई ठीक नहीं होता उसके बाद तो वर्ल्ड एड्स डे के दिन सब लोग सोच रहे थे कि अरे दान किसको देना चाहिए था इसने एड्स बीमारी के लिए रिसर्च पे दान देना चाहिए हॉस्पिटल को दान देना चाहिए तो रिपोर्टर्स ने उनको पूछा अरे आप इतने धनी व्यक्ति हो आपने वर्ल्ड एड्स डे के दिन मंदिर बनाने के लिए दान दिया वो भी कहाँ बंगाल में किसी गांव में विश्व के किस कोने में पता नहीं ये अमेरिका में रिपोर्टर लोगों ने प्रश्न पूछा इनको कि ऐसा दान क्यों दिया आपने और इन्होंने क्या बोला मैंने जो दान दिया है उसके कारण लोगों को एड्स नहीं होगा तो रिपोर्टर को समझा नहीं नहीं आप लोग समझ गए जी रुको ना थोड़ा सा मेरे को बोलने तो दो सब ताली बनना शुरू कर दिए रिपोर्टर को समझा नहीं दान गया मंदिर को एड्स कैसे रुकेगा तो अम्बरीश प्रू समझा है जब मंदिर बनेगा तो प्रचार होगा जब प्रचार होगा होगा तो लोग भक्त बनेंगे जब भक्त बनेंगे तो चार नियम नहीं टूटेंगे फिर एड्स नहीं होगा <laughs> देखा <laughs> मैंने भी एड्स के लिए दान दिया <laughs> <laughs> तो सातवां फायदा सातवां क्या है वी कैन रिड्यूस एनवी हमारा जो मात्सर्यता है ना ईर्ष्या है वो हमारा बचे रुकेगा हम उससे जैसे मैं एक बार मैं आपको पिछले बार भी बता रहा था स्कूल स्कूल के स्कूल में जब जाता था तो मैं पैदल स्कूल जाता था मेरे घर से ऐसा दो ढाई किलोमीटर स्कूल था हम लोग ऐसे जंगल के रास्ते से नागपुर में हम लोग ऐसे स्कूल में सेंट्रल स्कूल अटेंड करने जाते थे वायुसेना नगर में पर जब जाते थे चौक से होकर तो मैं अक्सर देखता था वहाँ पर एक चिकन चिकन काट के बेचने वाले का दुकान था है ना ऐसे रास्ते उस जमाने में तो ऐसे रास्ते पर लगा देते थे और काटते थे तो मैंने एक बार जब देखा कि माता खड़ी है अपने बच्चे के साथ मैं छोटा स्कूल में ही मैं देख रहा था मैं थोड़ी देर वहाँ रुक गया और मेरा प्रश्न मेरे मुझको खुद को प्रश्न आया अरे ये माँ है इसको हृदय नहीं है क्या भगवान नहीं तो कोमल होना चाहिए माँ है भाई पर ये क्या कर रही है उस मुर्गी के बच्चे को खींचा जा रहा है तो तो मुन को कापला जाता है रक्त रक्त सगड़ पर ये माँ को क्या लग रहा है इसके बच्चे को काट के मेरे बच्चे को खिलाऊंगी मेरे बच्चे की तबीयत अच्छी होगी देखा इतना ईर्ष्या है इसको नहीं समझ रहा कि अरे वो भी माँ है मैं भी माँ हूं पर उसको मरने दो मेरा बच्चा जिंदा रहेगा इसको प्रोटीन मिलना चाहिए इसको शक्ति मिलना चाहिए है ना बहुत ईर्ष्या के साथ हम लोग जीते हैं तो हमारा ईर्ष्या कम होगा जब हम देखेंगे अरे भगवान ने हमको धन दिया है चलो मैं दूसरों को चलो मंदिर में मंदिर में सेवा होगा कई लोग प्रसाद खाएंगे भगवान का सेवा होगा प्रचार कार्य में लगेंगे कई लोग पाप से बचेंगे वो मंदिर में जुड़ेंगे हमारा हृदय का जो ईर्ष्या है वो कम होगा यमुना माता जी प्रभुपाद की जो एक शिष्या थी वो बहुत अच्छी कुक थी पहले तो कुकिंग आता नहीं था जब प्रभुपाद को पहले बार मिली तो सिगरेट के साथ मिली थी प्रभुपाद को बोलना पड़ा किचन में आना है तो सिगरेट बाहर फेंको ये हाल था बाद में इतनी अच्छी कुक बनी इतने सुंदर इतनी सारी किताबें लिख के गए माता जी प्रभुपाद ने स्वयं कुकिंग सिखाया था इनको भगवान के लिए भोग कैसे बनाते हैं बोल के तो एक बार प्रभुपाद ने यमुना माता जी को पूछा आप दूसरों को कुकिंग करना सिखा रहे हैं कि नहीं तो एक अन्य माता जी थी नहीं प्रभुपाद वो सिखाती नहीं है तो प्रभुपाद ने यमुना माता जी को बोला आपको जो प्राप्त हुआ है गुरु की कृपा से अगर वो आप दूसरों के साथ शेयर नहीं करेंगे ना तो ईर्ष्या बढ़ जाएगा तो आप अपने पास बचा के मत रखो दे दो दूसरों को वो ज्ञान वैसे ही धन के साथ जब हम करते हैं क्या होता है हम दूसरों को जब देते हैं हमारा ईर्ष्या कम होता है सातवां फायदा क्या है दान करने का आप एक दो प्रभुपात कहते हैं आप एक कदम तो बढ़ाओ भगवान सौ कदम आपके तरफ बढ़ाएंगे द्रौपदी ने कृष्ण का उंगली थोड़ा सा कटा किया था अपनी साड़ी फाड़कर थोड़ा सा कपड़ा बांधा था कृष्ण ने कितनी साड़ी दी है ना कितने कृष्ण ने कितना कपड़ा दिया कपड़ा ही देने का था तो जब आए थे मुनि द्रौपदी ने फिर आवाज दे दिया बचाओ कृष्ण कृष्ण ने इतना सा तिनका खाया और बोला अरे जाओ सबका पेट भर गया जाओ बचा लिया सबको जब हम कृष्ण को देते हैं कृष्ण रिटर्न में बहुत कुछ देते हैं तो विश्वनाच जनरली हम लोग जब भी बैंक कहीं पे भी पैसा जमा करके रखते हैं तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं आर ओ आई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मैं इन्वेस्ट करता हूं तो रिटर्न कितना पांच टका आठ टका पंद्रह टका बीस टका क्या आएगा रिटर्न तो शिला विश्वच ठाकुर कहते हैं जब किसी सामान्य व्यक्ति को आप दान देते हो जितना दान दिया उतना ही वापस आएगा आपके पास उतना ही वापस आना है जब किसी आधे ब्राह्मण को जो पूरा ब्राह्मण का जितने यज्ञ याजन पठन पाठन दान परिग्रह सब नहीं कर रहा कुछ कम कर रहा है उसमें से आधे ब्राह्मण को दान दिया तो जो भी दान दिया उससे डबल आपको रिटर्न मिलने वाला है ठीक है एक फुल ब्राह्मण को अगर आपने दान दिया तो शास्त्र कहते हजार पट वापस आने वाला है आपको थाउजेंड टाइम्स रिटर्न मिलेगा और किसी वैष्णव को दिया तो शास्त्र कहते अनगिनत रूप में आपको वापस मिलेगा है ना आठवा फायदा क्या है त्यागात शांतिमती त्याग दान करने से क्या होगा हमको एक शांति हृदय में प्राप्त होगी है ना सब सबका जीवन अशांत है क्यों अशांत है क्योंकि बहुत कुछ दबा के बैठे है ना इतना दबा के बैठे हैं प्रभुपाद एक उदाहरण देते एक कहानी बताते हैं प्रभुपाद एक गांव में एक गांव में कुछ चोर थे इन चोरों ने विचार किया कि देखो आज सारा का सारा अपना गांव खाली होने वाला है सब विवाह एक शादी हो रहा है नदी के उस पार वाले गांव में सब उधर जाएंगे तो जमींदार के घर पे आज घर फोड़ने का है उसका उसके घर पे चोरी करेंगे तो तीन चोरों ने मिलकर प्लान बनाया और ये सारे चोर मिलकर रात को घर फोड़े और जितना सोना था धन था सब एक पोटली में बांधा और पोटली में बांध के जंगल की तरफ भागे और जब जंगल की तरफ भागे तो जंगल में जाके एक जगह रुके और पोटली खोली और पोटली खोल के बोलते क्या देखो ईमानदारी के साथ तीनों में बांटते हैं प्रभपात कहते तुम सब चोर और तुम्हारे बीच में ईमानदारी प्रभपात कैसे सारी लक्ष्मी किसकी है भगवान की हर कोई अपने अपने पास लेके बैठा है हमने शांति से हाँ शांति से रहेंगे हम लोग अरे शांति से रह नहीं सकते क्यों क्योंकि जैसे रावण ने सीता को उठाकर लेके गया रावण का जीवन शांत नहीं बचा अशांत हो गया उसके बाद रावण की लंका में पूरी आग लग गई तो परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज तो कहते हैं अगर आपके पास प्रसाद नहीं है तो धन देने का रिस्क लो भिखारी भी सामने आ गया तो नोट या नोट निकाल के दो अपने जेब में से क्यों रिस्क क्यों है उसमें मैं आपको मैं उदाहरण देता हूँ रिस्क क्यों है मैं दिल्ली में एक बार ट्रेन पकड़ रहा था ट्रेन पकड़नी थी मुझे जल्दी पहुँच गया स्टेशन में ट्रेन आकर लगी हुई थी सामान अंदर रखा पंद्रह बीस मिनट ट्रेन वहीं से छूटने वाली थी तो टाइम लगने वाला था मैं जाके मैं प्लेटफॉर्म पर खड़ा था तो एक बच्चा एक लड़का छोटा सा बच्चा लकड़ी के पट्टे पे जिस पे ऊपर कुछ चक्के लगे थे उसको उसके ऊपर बैठा था इसको दोनों हाथ और दोनों पैर नहीं थे पर पट्टे पे पर ऐसा रख कर के ऐसा ऐसा करके वो आया तो मेरे को मुझको लगा अरे प्रसाद नहीं है मेरे पास अभी देने के लिए तो मैंने क्या किया दो रुपये का सिक्का निकाला मेरा बीड बैग में से चेन में से निकाला और उसको दो रुपये का सिक्का दे दिया ये सोच कर कि ठीक है इतना बेचारे का हाल है सो तो कुछ तो देना चाहिए मुझको पर मेरे सामने क्या हुआ पता है इस लड़के ने ज़ोर से सीटी मारी करके ऐसा कुछ तो मेरे को नहीं आती बगड़िए पर मेरे तरफ देख रहे हैं अभी कुछ तो और हो रहा है तो माँ सीटियाँ नहीं मार रहा मेरे को नहीं आती ठीक है उसने सीटी मारी थी ठीक है वो बच्चे ने सीटी मारी और उतने में एक लड़का आ गया दो पैर एक हाथ इसको एक हाथ नहीं है वो दो, वो दौड़ते दौड़ते आया और इस बच्चे ने मेरे सामने जिसके दो रुपये पड़ा है जिसके पास अभी मेरे नीचे उसके जांग पे पड़ा था इसने उसको दो रुपये दिखाया मैं सब देख रहा हूँ मेरे सामने हो रहा है ये लड़का गया दो रुपए उठाया भागते हुए गया बीड़ी खरीद के लाया इसने एक हाथ से बीड़ी जलाई थी और फूका और मेरे सामने इस लड़के के मुंह में दिया तू भी फूक और मैं देख रहा हूं भाई दो रुपए दिया इसने पाप किया और इस पाप का अभी रिएक्शन किसको मिलेगा थोड़ा सा मुझको लेना पड़ेगा क्योंकि अगर मैं दो रुपए नहीं देता था तो पाप भी नहीं होता था पर मैं रिस्क लिया पर राधाना स्वामी महाराज कहते हैं आप कभी रिस्क लो अगले बार याद से प्रसाद पास में रखोगे है ना <laughs> <laughs> नावा क्या है वी गेट अ चांस टू सर्व हमें सेवा करने का क्या मिलता है एक चांस प्राप्त होता है हुँ? और विशेषकर प्रभुपात तात्पर्य में लगे तीन गुणों के ऊपर का दान कौन सा है जो भगवान की सेवा के लिए मंदिर के लिए प्रचार के लिए जो दिया जाता है हुँ? विशेषकर जब हम दान मांगने जाते हैं तो किसी को ये नहीं बोलना चाहिए हमने लेक्चर में सुना था प्रभुपाद ने बोला था तुम रावण है सीता को रखा है तुम्हारे पास वापस कर तेरी लंका में आग लगाओ क्या हनुमान हूँ मैं ऐसा नहीं करने का प्रेम से पू लोगों को इंस्पायर करने का कि आप भगवान की सेवा में दे सकते हैं आप मदद कर सकते हैं दसवा क्या है जब हम दान देते हैं तो हमारा हृदय क्या होता है इट प्यूरिफाइज द पर्सन हम शुद्ध होते हैं है ना? तो एक बार एक ब्रह्मचारी हर हर एक, एक, हर एक बार एक घर पे जाता था गुरु ने कहा है भिक्षा मांगनी है वो भिक्षा मांगने जाता था और उसके उस घर की जो गृहिणी थी वो हट हट करके भगा देती थी उसको ठीक है मुझको तो नम्र होना है गुरु की गुरु की सेवा करनी है मैं तो गुरु से ज्ञान अर्जित करने आया हूँ नम्र बनूंगा ये ब्रह्मचारी बेचारा चुपचाप निकल जाता था है ना एक दिन घर में शायद पति पत्नी का झगड़ा बहुत जम से हो गया नॉर्मल थोड़ा ज़्यादा हो गया उस दिन ठीक है थोड़ा ज़्यादा हो गया और ब्रह्मचारी जी उसी वक्त पहुंच गए जब ब्रह्मचारी उसी वक्त पहुंच गए तो ये जो गृहिणी थी घर की उसने क्या बोला अब तेरे को दिखाती हूँ आज तू और गलत टाइम पे आया रोज़ भगाती हूँ तेरे को आज तो तू गलत टाइम पे आया ये अंदर गई और चूल्हे से जाके इतनी सारी सुपड़ी में राख निकाली और वो राख लेके आई और इसके दान पात्र में राख डाल दी आएगा फिर से आएगा फिर से तो ब्रह्मचारी बोला मैं तो आऊंगा बोला क्यों क्यों आएगा तो, तो ब्रह्मचारी बोला देखो आज तक तुम देती नहीं थी आज देने की आदत तो शुरू हुई बोला पर मैंने राख दिया तो वो ब्रह्मचारी बोला टुडे यू हैव गिवन यू विल गिव कैश आज आपने ऐश दिया कल आप कैश देंगे पर कुछ ही दिन में इस गांव के जो परिवार था ये भक्त बन गया बोला क्या बात कर रहे हैं? और ये तो ऐसे लोग थे दान भी देना नहीं चाहते राख दी थी इन्होंने क्या हो गया था उस ब्रह्मचारी ने क्या किया उस राख का इस्तेमाल भगवान के जो आरती की जो प्लेट थी उसको धोने में लगाया उनका दान भगवान की आरती प्लेट धोने में वो लग गया ये लोग भक्त बन गए इनका हृदय शुद्ध हो गया तो दान देने का ये फायदा है ना और दान देने के लिए हृदय जरा तगड़ा होना चाहिए क्यों आपने सुना होगा शब्द धर्मवीर युद्धवीर दानवीर <laughs> कमजोर दिल वाले दान नहीं दे सकते है <laughs> ना जिनका हृदय कमजोर है वो दान नहीं दे सकते बलि महाराज ने दान दिया था रानती देव ने दान दिया था है ना तो मैं बस कुछ विशेष आपको ऐसे सुभाषित के श्लोक बताता हूं और उसके साथ मैं समाप्त करूंगा समय ज्यादा हो गया है गौरव प्राप्य ते दान कहते दान देने वाले को गौरव प्राप्त होता है न तो वित्त संचय वित्त का संचय धन धन का संचय कर धन का संचय करने से गौरव प्राप्त नहीं होता दान देने से गौरव प्राप्त होता है कहते हैं उदाहरण क्या है स्थिति उच्च पयोदान कहते पयोधि नाम अदह स्थिति जो समुद्र है उसके पास इतना है पर देता नहीं हमेशा नीचे ही रहेगा पर बादल सिर्फ देते हैं इसलिए स्थिति कैसी है ऊपर है बादल हमेशा ऊपर रहेगा और समुद्र क्या है हमेशा नीचे ही रहेगा है बहुत इसके पास पर देता नहीं और क्योंकि लेकर बैठा है और देता नहीं इसलिए खारा हो गया वो बैठा है लेकर दबा के बैठा है छुपा कर रखा है खारा बन गया और नीचे ही रहेगा देने वाला हमेशा ऊपर वैसे ही देने वाले का हाथ ऊपर ही होता है हमेशा है ना लेने वाले का हाथ शायद नीचे होगा हुं? पर प्राय समुद्रोपी रल दातारम जलदम पश्य भुव नो परि ये श्लोक क्या बोलता है जो दाता है देने वाला है बादल गर्जन करके घूमता है और समुद्र प्ष। 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 उसकी लाट के देखा आवाज कैसी रहती है पर बादल गर्जन करता है क्योंकि देने वाला है दान देता है फिर एक श्लोक आता है आखिरी दो श्लोक बोलता हूं मूर्खो नहीं ददती ददाती अर्थ मूर्ख लोग अपना धन दान में देते नहीं क्या सोचकर देते नहीं नरो दरिद्र शंका अरे दरिद्र हो गया तो गरीब हो गया तो वो दान देते नहीं बोलते प्राग्ञ वितरति अर्थ पर जो होशियार है वो अपने धन का दान देता है नरोदारिद्र दारिद्र यह उसकी भी वही शंका है पर अगर मैं बिकारी हो गया तो समझा किसी को मूर्ख दान नहीं देता यह सोचकर कल मैं दरिद्र हो गया तो बुद्धिमान व्यक्ति दान देता है ये सोचकर कल मैं दरिद्र हो गया तो नहीं कल मैं दे सकूंगा ये वाला भावना ही है बोलने का मतलब क्या है देखिए हम लोग क्या करते हैं आज सेविंग करते हैं जैसे नरेंद्र मोदी जी ने जब वो ये किया था ना क्या कहते नोटबंदी किया था नोटबंदी करके बहुत कम समय दिया था ये नोट आपको बैंक में डालने, कितने एक महीना दो महीना दिया था हा? चाले ऐसे कुछ तो समय दिया था लेकिन उसके बाद कितने ही घरों में दुख के सिचुएशन थे चालीस दिन के बाद पता है क्यों अहो साकरी का डब्बा खाली निकालो यो दो नोट साखरी चढ़ा खाली नोट नोट होती पलंगा जगह आदि खाली होते खाई, अरे रे राहुल गेले तेरे फिर पति को बोलना पड़ता चू अभी ये नोट बता दिए ना मोदी जेल में डाल देगा अभी गुनाह इस इस नोट को रखना भी अभी चुप फेंक दे इसको जला दे इसको पर क्या था घर में अपने घर पे एक बैंक रहता है सबको पता है सेविंग एक जगह होता रहता है कैसे होता है धन उधर कैसे पहुँच तो हम लोग क्या करते है? घर पे कहीं तो ऐसा धन रखा है हमने बैंक में कुछ धन रखा है ये सोचते अरे रिटायरमेंट के बाद काम में आएगा ये पैसा होशियार व्यक्ति ये सोचता है अगले जन्म में कैसे प्राप्त होगा होशियार व्यक्ति दान देता है अरे अगले जन्म में दरिद्रता होगा अगर आज दान नहीं दिया तो मेरे साथ क्या जाएगा मेरा दान पुण्य जाने वाला है मैंने कितना दान पुण्य किया मूर्ख सोचते हैं दान दूंगा तो दरिद्र होगा होशियार सोचते दान दूंगा तो दरिद्र होऊंगा अगले जन्म में उससे अच्छा दान देता हूँ फिर बोलते हैं नैवन दानेन, तुक दानेन पन, पनीनर नीर्ण पाणीर्ण कंकणेन विभाति काया करुणा पराणाम परोपकार वो कहते हैं कि जो सज्जन व्यक्ति है क्षोत्रम उसके जो कान हैं उसके कान किससे सुशोभित होते हैं कुंडल से नहीं जब वो शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करता है उसके कान सुशोभित होते हैं बोलते हैं। है ना फिर कहते हैं हाथ सज्जन व्यक्ति के हाथ कुंडल से सुशोभित नहीं होते दान देने से सुशोभित होते कान कैसे हुए शास्त्रों से कुंडल पहनकर नहीं कंकण पहनकर हाथ सुशोभित नहीं हुए दान देने से सुशोभित हुए फिर कहते हैं वैसे ही ये शरीर सुशोभित कैसे हुआ वो कहते हैं चंदन लगाने से नहीं दूसरों की सेवा करने से गुरुजनों की सेवा करने से सज्जन व्यक्ति के कान सज्जन व्यक्ति के हाथ और सज्जन व्यक्ति के शरीर कैसे दान हुए शास्त्र पठन से हाथ हुए दान देने से और शरीर कैसे हुआ गुरु की सेवा कृष्ण की सेवा भगवान की सेवा करने से तो दान देने की महिमा पर चर्चा हम बहुत कर सकते हैं पर विशेषकर शिल प्रभुपाद स्वयं क्या करते थे दान स्वयं प्रभुपाद जाते थे मांगने के लिए जुहू मंदिर के लिए प्रभुपाद दान मांग रहे थे प्रभुपाद ने सब भक्तों को लगाया तो वैसे ही जन्माष्टमी के इस अवसर पर हम सबके पास ये सेवा है शायद साल भर नहीं होती है सेवा इसी समय है हम स्वयं की गृहस्थों के लिए जैसे मैंने कहा दान देना ये कर्तव्य है हम हमारे तरफ से दान दे सकते हैं और गुरु के लिए कृष्ण के लिए हम दान स्वीकार करने के लिए भी जा सकते हैं तो मेरा अनुरोध है कि आप बगड़िया प्रभु से और शचिशुचरण प्रभु से राम लक्ष्मण प्रभु से सुबुद्धि राय प्रभु मुकुंद कृष्ण प्रभु कई माताएं भी हैं हमारी सीनियर माता इन सब से मिलिए पूछिए ये आप सेवा कैसे कर सकते हैं आप स्वयं दान दे सकते हैं और ये बहुत अच्छा समय है जब हम जाकर जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में दान स्वीकार भी कर सकते हैं बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमद भगवद गीता की जाय शील प्रभुपाद की जाय गौर प्रेमनंदे हरि हरि बोल किसी का कुछ प्रश्न हो तो मैं ले सकता हूँ वरना अनाउंसमेंट के लिए प्रभु जी सामने आ सकते हैं